MCN मल्टी चैनल नेटवर्क। मेरे चैनल पर बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। मेरे चैनल पर ढेर सारे व्यूअर्स है अलग अलग कंट्री के इस टॉपिक को देखने के लिए। मेरे चैनल पर ऐसे ढेर सारे सब्सक्राइबर है जो स्टेप और स्टेप इसी तरह के टॉपिक देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर भी ढेर सारे वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। इस तरह के कंटेंट पसंद करते हैं ऐसे भी बहुत ही अलग अलग कंट्री के व्यूअर्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, फिर भी मैं ये MCN और CMS किसी भी तरह के वीडियो बहुत दिनों तक नहीं बना रहा हूँ। इंटेंशनली मैं नहीं बनाना चाहता, मैं पिछले एक वीडियो में भी बता चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया रीजन है। नंबर वन, जब मैं MCN या फिर CMS रिलेटेड वीडियो बनाता था तब बात कुछ अलग था। अभी 2023 एंड होने को जा रहे हैं, 2024 आने वाले हैं। इस टाइम पे ना जितने सारे बड़े बड़े MCN कंपनी, उन लोगों के जो रूल्स है, जो पॉलिसी है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले ये लोग बिना मोनेटाइजेशन के बहुत सारे चैनल ले लेते थे। क्यों? क्योंकि तब चैनल उन लोगों को फ्रेश लगता था कि ये फ्रेश चैनल है, चैनल का ग्रोथ अच्छा है, ये चैनल अगर बिना मोनेटाइजेशन के मैं ले लूं तो इस चैनल को आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है, आने वाले टाइम पे क्रिएटर भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं इस चैनल से और कंपनी का भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट अभी के टाइम पे ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे कंपनी देख चुके हैं कि ये एक डेढ़ सालों से जितने सारे क्रिएटर यूट्यूब पर आ रहे हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, जल्दी जल्दी में चैनल को मोनेटाइज करवाना है, पैसा कमाना है। अपना खुद का कोई भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ दूसरों को कॉपी पेस्ट कर रहा है। और यूट्यूब का जो सिस्टम, जो पॉलिसी, जो रूल्स, वो भी बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। तो अभी जितने सारे चैनल MCN ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं उनमें से 90% क्रिएटर के चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे। तो अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे तो MCN वालों ने इस तरह के चैनल को अप्रूवल देके करेगा क्या? उनको तो रुपया कमाना है। इसीलिए ये बड़े सारे MCN बिना मोनेटाइजेशन के चैनल को अप्रूवल देना बंद कर दी। और जो 10% चैनल फ्रेश है, जिनका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएंगे, वो लोग MCN ज्वाइन करने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। कौन जा रहे हैं? उनमें से 5% जा रहे हैं जिन लोगों को ये CPM वर्क करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, जिन लोगों को सही तरीके से YouTube पर काम करना है, वो लोग MCN कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी आता हूँ CMS के बारे में। यहाँ पर ही एक फंडा है। देखिए, जितने सारे इंडिया में CMS कंपनी है या फिर पूरे वर्ल्ड में, ये लोग बहुत सारे नॉन मोनेटाइज चैनल को ले लेते हैं, ज्वाइन करवा लेते हैं, अपने कंपनी के साथ ऐड करवा लेते हैं, अप्रूवल दे देते हैं। CMS कंपनी ज्वाइन होने के लिए नहीं, चैनल को ले लेते हैं। कौन से चैनल को? अगर आपका चैनल फ्रेश है, आपके खुद का कंटेंट है, चाहे वो सॉन्ग का हो, म्यूजिक का हो, एक्टिंग का हो, कॉमेडी का हो, किसी का भी हो, व्लॉग हो, अगर कंटेंट आपका है, फ्रेश है, आप किसी को कॉपी नहीं किया, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इस तरह के चैनल को बहुत सारे बड़े बड़े CMS कंपनी पेड ज्वाइन करवाते हैं। कैसे? मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, एक कंपनी है पंजाब का, उनके पास 2-3 CMS कंपनी है, वो पेड मोनेटाइजेशन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि चैनल अगर फेस है, पेड मोनेटाइजेशन के चैनल को मोनेटाइज करवा लूं, तो उस चैनल को CMS ज्वाइन करवा लूं, तो दोनों तरफ से फायदा है, क्रिएटर भी खुश और हमारे भी अर्निंग हो जाएंगे। इसीलिए ढेर सारे CMS कंपनी के पास ये ऑप्शन है। तो आपके चैनल अगर फेस है, आप किसी भी कंट्री के हो, आप ऐसा CMS कंपनी ढूंढिए जो लोग बिना मोनेटाइजेशन के आपके चैनल को एक बार चेक कर ले, और उनके पास अगर ये पेड मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है तो वो लोग आपके चैनल को ले लेगा। आपको बोलेंगे कि भाई इतना रुपया आपको देना है, हाँ फ्रॉड के चक्कर में मत पड़े, पहले चेक कर लेना कि कंपनी सही है कि नहीं। मैंने इंडिया के जिस कंपनी के बारे में रेकमेंड किया था, उनका जो पेड मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुपया लेते हैं, लेकिन फ्रेश काम करते हैं। तो इस तरह से कोई भी फ्रेश कंपनी ढूंढिए जहां से आप पेड मोनेटाइजेशन करके उसी CMS कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाए। रेशियो आप लोग बैठ के तैयार कर लेना।
मतलब अभी 2024 आने वाले हैं, इस टाइम पे बिना मोनिटाइजेशन के आप कोई भी MCN कंपनी ज्वाइन नहीं हो सकते। और अगर आपके पास कोई भी ऐसे कॉपी पेस्ट चैनल है, मूवीज, बॉलीवुड मूवीज के सॉन्ग, म्यूजिक, चाहे वो रिमेक्स हो, किसी दूसरे यूट्यूबर के वीडियो कॉपी करके डाल रहे हो, अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो जाते हैं तो MCN आप ज्वाइन कर पाओगे। मोनिटाइज रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप MCN ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ये आप दिमाग में घुसा लो। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और नंबर टू, इसी तरह के CMS कंपनी ढूंढिए जो लोग बिना मोनिटाइजेशन के भी आपके चैनल को ले ले, वही लोग आपके चैनल को मोनिटाइज करवाए आपसे पैसा लेके, उसके बाद उन्हीं के CMS कंपनी आप ज्वाइन कर सको। मतलब सही तरीके से अगर काम करोगे तो ढेर सारे रास्ता खुला रहेगा, और गलत तरीके से अगर काम करोगे तो कोई भी रास्ता आपके सामने नहीं रहेगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और इसके ऊपर ज्यादा सवाल मुझे मत पूछना। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय, जय हिंद।